अजीत पवार की एंट्री से शिंदे गुट नाराज, पुराने विवादों को दोबारा भड़कने का डर, सीएम ने कही ये बात। सीएम आवास पर हुई बैठक में शिवसेना के नेताओं ने सीएम शिंदे के सामने अपना दुख जताया है। बताया जा रहा है कि अजीत पवार की एंट्री से पुराने विवाद दोबारा भड़क सकते हैं। सीएम आवास पर हुई बैठक में शिवसेना के नेताओं ने सीएम शिंदे के सामने अपना दुख जताया है। बताया जा रहा है कि अजीत पवार की एंट्री से पुराने विवाद दोबारा भड़क सकते हैं। एबीपी माझा के अनुसार अजीत पवार के शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर शिंदे गुट की अहम बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इसी बैठक में शिंदे के मंत्रियों एवं विधायकों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही शिंदे गुट के कुछ मंत्री भी रुके हुए कैबिनेट विस्तार से नाराज हैं। बैठक में कई नेता मौजूद। शिंदे गुट के सभी मंत्रियों ने सोमवार सुबह मुख्यमंत्री शिंदे से थाने स्थित अपने आवास पर मुलाकात की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री उदय सामंत, गुलाब पाटिल, शंभूराज देसाई, शिंदे गुट के नेता दादा भूसे, संदीपन भुमरे उपस्थित थे। प्रत्येक ने मुख्यमंत्री शिंदे के साथ एक बैठक की, जहां उन्होंने विभागों के संभावित आवंटन पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने अजीत पवार और उनके वफादारों को सरकार में शामिल करने के फैसले पर भी नाराजगी जताई। अजीत पवार की एंट्री से दोबारा सामने आएंगे विवाद। अजीत पवार समेत एनसीपी के 9 विधानसभा राज्य मंत्रिमंडल में शामिल हुए और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवराज में नाराजगी का माहौल है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में शिवसेना के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों ने एकनाथ शिंदे के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त की। अजीत पवार और एनसीपी विधायकों के राज्य सरकार में शामिल होने से पुराने विवाद फिर से उभरने की आशंका जताई जा रही है। समझा जाता है कि मुख्यमंत्री ने अपने सहयोगियों को आश्वासन दिया है कि वह उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ चर्चा कर कोई रास्ता निकालेंगे। बगावत का शिवसेना छोड़ने वाले शिंदे गुट के विधायकों को डर है कि अजीत पवार के आने से एनसीपी के साथ पुराने विवाद फिर से शुरू हो जाएंगे। रायगढ़ नासिक सतारा जिले में शिवसेना और एनसीपी के कुछ नेताओं में आपस में मतभेद है। शिंदे गुट के नेताओं को डर है कि वे विवाद फिर से बढ़ सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि वे देवेंद्र फडणवीस से चर्चा करेंगे और मध्यस्थता का रास्ता निकालेंगे।